हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग क्लास प्लस टू का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है बच्चे? इट विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4πε0q1q2r² एज वी नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स इट्स हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर इस फोर्स की डायरेक्शन है तो हम कैसे इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो कैसे हम लोग करेंगे। सपोज करो मेरे पास चार्ज है Q1 एंड Q2। दीज टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, ठीक है। नाउ Q1 चार्ज इज गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन Q2। तो ये जो Q1 चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, तो व्हाट इज दैट फोर्स? दैट इज F21। व्हाट डू यू मीन बाय F21? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना F21, दिस इज ए फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं F21 क्या है? चार्ज ऑन फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो इसको कैसे लिखेंगे? F1। इसका मीनिंग ये Q1 भी Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स क्या होगी? दैट इज F12। तो ये भी कौन सी फोर्स लगाएगा? F21 फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो व्हाट इज दैट फोर्स? तो आप F12 को कैसे लिखोगे? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। अब देखो नेक्स्ट, इसका कुछ पोजीशन वेक्टर भी होगा। नाउ Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसका मीनिंग इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? R12। इट्स मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम 1 to 2। फोर्स कहाँ से कहाँ लग रही है? फर्स्ट चार्ज पार्टिकल सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? R12। एंड Q2 इज आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन Q1, तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? R21। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? द फोर्स कहाँ से कहाँ लग रही है? सेकंड चार्ज पार्टिकल से फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है। तो आप लोग कैसे लिखोगे इसको? F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर और R12 कैप। तो एज यू डिस्कस इन द प्लस वन क्लास, व्हाट इज A यूनिट कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर। तो ऐसे ही आपके पास R12 का क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ R12 डिवाइडेड बाय R12 का होल स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल? F21 फोर्स ऑन Q1 क्या आएगा? F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 और R21 कैप। दिस इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दिस इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। नाउ यू कैन सी दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ओपोजिट। आपको मैग्नीट्यूड से क्या पता चल रहा है? दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ओपोजिट, सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल दे आर गोइंग टू ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या ओबे कर रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो फोर्स है ये लॉ ओबे कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इस लॉ से हमें और क्या पता चल रहा है? दीज टू फोर्सेस दैट इज ऑन Q1 एंड Q2, दीज फोर्सेस आर नोन एज ए सेंट्रल फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्सेस? द फोर्सेस विच एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल। उन दो फोर्सेस को हम लोग इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी लाइन ज्वाइनिंग में फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे?
central force. Is it okay? Now, after that, the Coulomb's law is also valid for point size charge particle. ये इसकी limitation मान लो या फिर इसकी condition मान लो कि जो Coulomb's law है वो किस type के charge के लिए valid है, तो वो size क्या होना चाहिए charge का? That should be point size. Size of charge, that is point size. And next, the charge that at rest, और वो charge क्या किस कंडीशन में होना चाहिए? रेस्ट पर होना चाहिए. और साइज उसका कैसा होना चाहिए? पॉइंट साइज होना चाहिए. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अगर आप लोगों ने किसी भी फोर्स को कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपका ये मेथड है. तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कल हम लोग इसके एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. I hope everyone understood. We will meet in the next video. Thank you.